इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो कि बहुत सफल हुए हैं। हम हजारों को छोड़ते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं जैसे बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, माइकल जॉर्डन, हेनरी फोर्ड, रिचर्ड ब्रांसन, कई सारे लोग हैं। कैसे सोचते हैं ये, क्या माइंडसेट होता है इनका, और क्यों ये इतने हाईली सक्सेसफुल हैं, और क्या चाहिए होता है इनके इतना सक्सेसफुल बनने के लिए। 5 पॉइंट्स में हम बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिप हो सकती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेन आपके पास में हो सकता है, लेकिन अगर पायलट को नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। वो खूब मेहनत तो करेगा लेकिन उसे अंत में कुछ नहीं मिलेगा। सबसे जो की पॉइंट है ना इतना हाईली सक्सेसफुल होने का, वो यही है क्लियर विजन। लाइफ में एक गोल के होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लियर गोल होना या फिर एक क्लियर विजन होना। जब हमें मंजिल का पता होता है ना तो फिर चलने में बहुत ही मज़ा आता है। आपका लक्ष्य आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको क्लियर सक्सेस भी मिलेगी। पता है लोग भटक क्यों रहे? ना चाहते हुए भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते लेकिन ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो दिन भर फोन चलाता रहे, कोई नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो, लेकिन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें क्या करना है तो वो चीज़ें करने लग जाएंगे जो कि उन्हें करना चाहिए, वरना वो वही चीज़ें करते रह जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग, बड़ा सोचो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार। आप चांद पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो तारों पर तो पहुंच ही जाओगे। बड़ा सोचो तो सही, अगर आपने जो सोचा आप वहां नहीं भी पहुंच पाए तो आप वहां पर तो पहुंच ही जाओगे जहां पर पहुंचना लाखों लोगों का सपना है। देखो, इंसान के पास में हर बार चॉइस होती है कि या तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, या फिर कुछ छोटा ही सोच करके छोटा करो और छोटा ही बनो। चॉइस आपके हाथ में। दुनिया में कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है। तो बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है आपके अंदर, आप पैशनेट नहीं है उस गोल को लेकर के, तो आप हमेशा किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती काम करोगे। थॉमस एल्वा एडिसन 999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? 2-3 बार में तुम्हारी जान निकल जाती है। पेशन था कुछ डिस्कवर करने का, जुनून था। जुनून होता है ना तो कितनी भी बार हम फेल हो जाएं फर्क नहीं पड़ता। जुनून ही होता है जो कि हमें बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठा देता है। जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए तो सिंपल से सिंपल चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब जुनून होता है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर जाते हो। जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है, शेर भी करता है, बल्कि गधा ज़्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रहोगे। शेयर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में जो भी इंसान स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो एंड बी अ स्मार्ट, नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो। नंबर 5, स्वेट बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन पसीना भाव, जो किसी को नहीं दिखता वो खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा, कितने पापड़ हमने बेले, वो कोई देखने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। उसेन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गए थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है, कॉम्पिटिशन जो है वो रियलिटी नहीं है? तब उन्होंने कहा कि असली जो काम होता है वो बिहाइंड द सीन होता है, कॉम्पिटिशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यही पूरा होता है। 100 मीटर की रेस को उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कौन देखता है? और वहीं से तो स्पीड मिलती है। मेहनत जो होती है ना वो अकेले में होती है, कोई नहीं देखेगा आपको, और जो देखेगा वो भी आपकी केयर नहीं करेगा, और क्यों करेगा? लेकिन आपको अपनी केयर करना पड़ेगी। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ, एक कोट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।